अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा आज हम और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फ्लोएम होता है इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वी कैन से लाइव कंडक्टिंग टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ प्लांट। और यहाँ जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है दैट इज बाई डायरेक्शनल। इट कंसिस्ट्स ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स, यहाँ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जो सीव ट्यूब्स होते हैं दे आर ट्यूबुलर कंडक्टिंग चैनल्स ऑफ फ्लोएम। यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं, इट इज़ ए सीव ट्यूब हियर एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेवरल सेल्स। और इन सेल्स को हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स या सीव ट्यूब मेंबर्स कहते हैं। यहाँ पे उनके जो एंड वॉल्स हैं दे आर स्लाइटली बल्ज्ड आउट और एंड वॉल्स पे ही यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम सीव पिट्स कहते हैं या सीव पोर्स कहते हैं। और इन्हीं की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज सीव पिट्स द एंड वॉल्स आर कॉमनली कॉल्ड सीव परेट्स। जैसे हम यहाँ देखते हैं इस एरिया को हम सीव परेट कहते हैं। और इन सम केसेस द एंड वॉल्स ऑफ सीव एलिमेंट्स पजेस मोर देन वन पोरस एरिया। अगर ये एक से ज़्यादा पोरस एरिया है इस सीव ट्यूब एलिमेंट का तो उस सूरत में हम उसको कंपाउंड सीव परेट कहते हैं। तो यहाँ ये कंपाउंड सीव परेट नहीं है, यहाँ ये सीव परेट है सिंपल। ये जो सीव परेट है इसी की वजह से इस सीव ट्यूब सेल का और इस सीव ट्यूब सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है इट इज़ कनेक्टेड टू वन अनदर। तो हम कह सकते हैं इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू सेल्स। ये जो हम इसका अंदर से देखते हैं ये जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ पेरिफेरल और इट लैक्स न्यूक्लियस। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है इस सीव ट्यूब सेल में। और जो इसका बीच वाला पोर्शन है यहाँ कुछ कैनाल्स होती हैं, रादर इट्स अ नेटवर्क ऑफ कैनाल्स हैविंग फिब्रिल्स ऑफ पी प्रोटीन। इस बीच पोर्शन में पी प्रोटीन भी होता है और जो पी प्रोटीन होता है इट फैसिलिटेट्स रैपिड वाउंड सीलिंग आफ्टर इंजरी। अगर इंजरी हो जाए तो उस सूरत में ये उस इंजरी को सील करता है जल्दी जल्दी। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं जो दूसरी सेल है वहाँ पे दैट इज़ कंपेनियन सेल। और ये जो कंपेनियन सेल होती है जैसे हम यहाँ देखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ नंबर सेकंड टाइप दैट इज कंपेनियन सेल। हम ये जो कंपेनियन सेल यहाँ देखते हैं इट इज़ नैरो एंड इट इज़ इलोंगेटेड एंड थिन वॉल्ड। तो ये हमेशा इस सीव ट्यूब सेल के साथ साथ एक साइड में होती है और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देखते हैं यहाँ डेंस साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस एविडेंट है। और न्यूक्लिय ऑफ कंपेनियन सेल्स कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब थ्रू प्लाज्मोडेसमेटा। यही न्यूक्लियस जो है ये इस सेल की एक्टिविटीज़ जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ दिस न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ दिस होल यूनिट। दूसरा जो काम ये कंपेनियन सेल्स करती हैं दे मेंटेन द प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब मेंबर एंड इट्स एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम मदर सेल। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है और ये जो कंपेनियन सेल है इनका जो
ओरिजिन है वो एक ही है, इस तरह से हम ये कह सकते हैं अगर इसमें से एक सेल की भी डेथ हो जाए तो वो दूसरी सेल की भी डेथ होती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं अगर ये सीव ट्यूब की डेथ हो जाए तो ये इसके साथ जो कंपेनियन सेल होती है उसकी भी डेथ होती है। इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ कंपेनियन सेल्स नहीं होती है, दे आर रिप्लेस्ड बाय एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स थे। नंबर थर्ड टाइप ऑफ सेल्स इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है दे आर लिविंग इलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स, विल राइट हियर दे आर इलोंगेटेड लिविंग एंड दे आर पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। दीज सेल्स हैव अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा एंड दे स्टोर फूड, रेजिन्स, लेटेक्स एट्सेट्रा एंड दे हेल्प, उनका जो काम होता है दे हेल्प इन स्लो कंडक्शन ऑफ फूड एस्पेशली टू द साइड्स। तो साइड्स में जो स्लो कंडक्शन ऑफ फूड होता है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा की वजह से होता है। इसके अलावा ये स्टोर का काम भी करते हैं एज दे स्टोर फूड। नंबर फोर टाइप ऑफ सेल्स इज फ्लोएम फाइबर्स। ये फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं एक्चुअली दे आर सिक्लेरेन्काइमा फाइबर्स फाउंड इन फ्लोएम। तो ये होते हैं सिक्लेरेन्काइमा फाइबर्स जिनको हम फ्लोएम में देखते हैं, दे आर प्रेजेंट इन फ्लोएम एंड दे आर अबंडेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्लोएम। हमें याद रखना होगा ये ज़्यादा किसमें होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम में होती हैं। एंड दीज फाइबर्स ऑकर इन शीट्स और उनका जो काम होता है दैट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जैसे कि फाइबर्स का ज़्यादा काम यही होता है, इनका काम भी यहाँ पे यही है,